अभी हम एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन पार्ट नंबर वन देखें हमारे पास यहां पर गिवन है ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो टेन है और ए माइनस बी की वैल्यू जो है वो सिक्स है हमने फाइंड क्या करना है ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अब जो वैल्यू गिवन है यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू टेन है वो यहां पुट कर दें ए माइनस बी की वैल्यू यहां पुट कर दें सिंप्लीफाई करें रिजल्ट आ जाएगा कर दें यहां पर टेन का स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर टू इंटू ए स्क्वेयर प्लस है बी स्क्र हंड्रेड थर्टी सिक्स टू इंटू ए स्क्वेयर प्लस है बी आ जाएगा वन थर्टी सिक्स और ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आंसर हमारे पास आएगा 68 एट ए प्लस बी स्क्र यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ गई ए स्क्र प्लस है बी स्क्र की वो कितनी आ गई 68 आ गई क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर टू सॉल्व करते हैं इसमें ए प्लस बी की वैल्यू है फाइव ए माइनस बी की वैल्यू है स्के रूट ऑफ है सेवनटीन हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर्मूला फार्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी स्क्र माइनस ए माइनस बी स्क्वेयर और यहां पर आ जाएगा फोर ए बी वैल्यू पुट कर दे सिम्प्लीफाई करें ए प्लस बी की जगह पर फाइव का स्क्वेयर और इसकी जगह पर रूट सेवेंटीन स्क्वेयर और यहाँ पर फोर ए बी ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ये कैंसिल हो जाएगा माइनस सेवनटीन और ये फोर ए बी ये आ जाएगा हमारे पास एट इज़ इक्वल टू फोर ए बी दोनों तरफ फोर से डिवाइड कर दें ये कैंसल और ये वन और ये टू दिस एम्प्लाइज टू इज इक्वल टू ए बी और ए बी इज इक्वल टू टू हमारे पास आंसर आ गया इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व कर लिया